तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है स्नेहल। तो आज हम लोग बात करने वाले फ्लिपकार्ट पे एक सेल चल रहा है मोबाइल बोनांजा सेल। तो आज मैं उसमें बता रहा हूँ आपके कौन सा बेस्ट डील आपके इस डील में आप लोग फ़ोन ले सकते हैं जो कि आपके लिए प्राइस में आपको वैल्यू ऐड करेगा, जो कि वैल्यू ऐड वाला फ़ोन रहेगा, जो कि आप लोग को फ़ोन बिल्कुल लेना चाहिए वही वाला। तो अब इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसा फ़ोन है जो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। स्लिप का वीडियो को एंड तक देखिए, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट वीडियो इस चैनल पर लगातार मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा मोबाइल बोनांजा सेल, जो कि 7 से लेकर 8 दिसंबर तक चलने वाला है, सिर्फ 2 दिन का सेल है। तो जल्दी से जाइए, आप लोग बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑफर बता दूँ इसमें से जो सबसे बेस्ट है, बेस्ट आपके लिए डील होने वाला है, तो ये फ़ोन है जो हमारा फर्स्ट नंबर पर लिस्ट पर आता है, Realme का GT Neo 2, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 28,000 में मिलने वाला है। तो कुछ ऑफ़र है जिसके कारण आप लोग को आराम से मिल जाएगा ऑफ़र के दौरान, तो आप लोग इजीली बाय कर सकते हो। आप इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा Realme 8 ले सकते हैं आप लोग। और आपको बजट में फ़ोन चाहिए तो Realme C11 भी बेस्ट है, और Realme 8 5G तो आप फिर आपको ले सकते हैं, आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है 2,000। Moto G60 भी ले सकते हैं, वो भी उसका कैमरा सही ठीक ठाक है। और Realme GT Master Edition फिर से इस बार ऑफर मिल रहा है, आपको 22,000 मिल जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप लोग जाके ले सकते हैं। यही था कुछ फ़ोन। अब मैं आपको बताने वाला कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, Poco X3 Pro नहीं लेना चाहिए आपको। Poco का कोई फ़ोन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि Poco में बहुत सारा इशू आने लगा है, जो कि रह के एक एक साल के ऐसे पहले ही खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल भी आप मेरे बात पर सीरियस लीजिए और बिल्कुल फ़ोन मत लीजिए Poco का फ़ोन। तो बस यही था डील्स, और थोड़ा बहुत है। अगर आप लोगों को कुछ अगर नहीं समझ आ रहा है या फिर इस फोन में लिस्ट में नहीं है, तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फ़ोन लीजिए या ना लीजिए, या फिर आपके बजट में कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको टर्नआउट वीडियो इस चैनल पर लगातार मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।